हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस, उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अगर हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान लेना है तो आपको हमारे चैनल को कॉमर्स पाठशाला को यूट्यूब पर सर्च करना होगा। इस चैनल पे आपको विजिट करना है इस वाले आइकॉन के साथ। यहाँ पे आने के बाद आपको रेड कलर का यहाँ पे बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब का, जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है इसे दबा देना है ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। इसके अलावा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मेंबरशिप प्लान को लेने के लिए। यहाँ पे ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इग्नू एमकॉम में जाना है और एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा आपके नोट्स के ऊपर अगर आप बाय करना चाहेंगे। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। और जब भी आप स्टडी करें प्लेलिस्ट के थ्रू करें, हमारे चैनल पे आने के बाद इग्नू एमकॉम के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको इग्नू के फर्स्ट ईयर के सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको दिख जाएंगी, जहाँ पे इन सारे वीडियोस को देख करके आप आसानी से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसके लिए आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए फिर आज के हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कंसेप्ट क्या है फाइनेंशियल मार्केट का और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे फाइनेंशियल जितनी भी सारी चीजें होती हैं, चाहे वो डिवेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिफरेंट कमर्शियल पेपर्स हो गए, उनके बारे में बात की जा रही है। तो इनका जो मार्केट होता है, इन सारी चीजों का जो मार्केट होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट। अब ये जो मार्केट है, यहाँ पे चीजें जो है एक तरीके से आप इस पे पैसे इन्वेस्ट करते हो, एक टाइम पे आने के बाद उसमें मैच्योरिटी होती है, समटाइम्स आपको इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह इन सब में मिलता है। तो इन सारी चीजों के बारे में मिल करके जो है हमारा टोटल टोटल जो है फाइनेंशियल मार्केट बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बिटवीन द इन्वेस्टर लेंडर्स एंड बोरोवर्स यूजर्स थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ मनी ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज फैसिलिटेटेड, है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके से ट्रांसमिशन है, एक तरह का मैकेनिज्म है जो कि इन्वेस्टर लेंडर का जो है बोरोवर यूजर्स के साथ होता है, जहां पे ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो है किए जाते हैं और उसको फैसिलिटेट किया जाता है एक तरीके से, उसमें बढ़ोतरी उसको हेल्प किया जाता है कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो है वो हो पाए। इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। यहाँ पे देखो कौन कौन से लोग आ जाएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएंगी, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, ट्रेजरी बिल, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, ईटीसी। ये वो सारी चीजें हैं जिसमें ट्रेड होता है, यही वो सारी की सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में करते हैं। द फाइनेंशियल मार्केट्स इज एसेंस आर द क्रेडिट मार्केट्स दैट कैटर टू द वेरियस क्रेडिट नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ऑन द अदर हैंड इट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन द इकोनॉमी ऑन द अदर। देखो यहाँ पे जो बात बोली वो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके से आपका जो क्रेडिट नीड है उसको पूरा करता है। आपको सपोज पैसों की जरूरत है तो आप वो पैसे कहाँ से उठाएंगे, आपको अपने मार्केट से उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपने जो आपके पास जो बॉन्ड्स हैं, आपके पास जो चीजें हैं, आप उसको सेल कर सकते हो या फिर जिसको चाहिए वो एक तरीके से खरीद सकता है बहुत सारी चीजों को, ताकि उनको जो है प्रॉपर एक इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड जो है उन सारी चीजों के ऊपर उसको मिलता रहे। तो डिपेंड करता है, लेकिन जिसको भी उधार चाहिए होता है, जिसको भी क्रेडिट में पैसा चाहिए होता है, वो जो पैसे जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, है ना। ऑन द अदर हैंड जो भी सेविंग्स आपके मार्केट में जमा हो रही होती हैं, उसको मोबिलाइज किया जाता है अदर अदर फंड्स में, ताकि उसका जो है इस्तेमाल ठीक तरीके से किया जा सके और आपको जो है बेनिफिट मिलता रहे। जैसे मैं सेविंग्स बैंक में मैं पैसा डालता हूँ तो आपको पता है ना कि 4% 3% का जो है रिटर्न हमें मिलता है, इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, पैसे रखे रखे ऑटोमेटिक तो बढ़ेंगे नहीं, वो उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, और इन्वेस्ट करने के बाद जो भी पैसे वहां से प्रॉफिट वो कमाते हैं उसमें से हमें जो है 3-4% का जो इंटरेस्ट है वो दे देते हैं, बाकी सारा प्रॉफिट बैंक वाले अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है काम करता है, है ना। दस द फाइनेंशियल मार्केट्स परफॉर्म इकोनॉमिक एज वेल एज फाइनेंशियल फंक्शंस। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक तरीके से इकोनॉमिक और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल फंक्शंस है उनको भी परफॉर्म करता है। देयर प्रिंसिपल इकोनॉमिक फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम दोज हु हैव सेव अ पार्ट ऑफ देयर अर्निंग्स टू दोज हु डिजायर टू हैव कमांड ओवर रियल सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देयर फाइनेंशियल पोजिशन लाइज इन द फैसिलिटेटिंग द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू दोज हु नीड देम टू इम्प्लीमेंटिंग देयर प्लान्स।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्लियरली वही सारी बातें बोली गई हैं कि जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है इकोनॉमिक फंक्शन, वो ये होता है कि जो रियल इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है उसका ट्रांसफर हो सके। जैसे कि सपोज मेरे पास मेरी अर्निंग है, मैं अपनी अर्निंग को बैंक में जमा करके रखता हूँ। बैंक का मेन काम होता है लोन देना, तो जिसे मेरे पैसों की जरूरत होगी, जिसे बैंक के पैसों की जरूरत होगी, तो बैंक का तो अपना पैसा है नहीं कुछ, वो हमसे जो पैसे लेता है सेविंग्स के रूप में, उसी पैसे को वो किसी और को लेंड करके देता है, क्रेडिट में उधार देता है। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से जिसको जरूरत है उसको जो है चीजें जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं, और जिसको जरूरत नहीं है वो पैसे जो है अपने सबमिट करता है, जमा करता है। सेव अ पार्ट ऑफ देयर अर्निंग टू दोज हु डिजायर टू हैव अ कमांड ओवर रियल रिसोर्सेज, जिनको ये चाहिए होता है कि उनको वो पैसे मिले, जिनको कमांड चाहिए होता है उन सारे रिसोर्सेज के ऊपर, ताकि वो अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट कर सके। उनको वो फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं बाय द बैंक, और वो फंड्स हमारे ही फंड्स होते हैं। बैंक के पास अपना कोई इनकम नहीं है, आई मीन उनके पास अपना इनकम है ना, लेकिन वो हमारे फंड्स को ही उन्हें देते हैं। तो ये है हमारा कंसेप्ट का फाइनेंशियल मार्केट। मैंने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हर एक चीज आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, कि फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से काम करता है और कौन कौन से काम ये जो है करता है। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इंटरेक्शन बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। तो जो इन्वेस्टर होगा, जैसे कि मैं बैंक में पैसे कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो पैसे वो इन्वेस्टमेंट हो गया ना, मैं इन्वेस्टर हो गया। और जो मुझसे सामान लेगा, जो मुझसे बोरो करेगा, जो मुझसे उधार में सामान लेगा, उस वो हो गया बोरोवर। तो ये एक तरीके से जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो एक तरीके से इंटरेक्शन क्रिएट करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे जो इन्वेस्टर और बोरोवर है ये लोग जो है आपस में बात कर सके, लोग इंटरेक्ट कर सके, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। इसके अलावा है प्रोवाइडिंग प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड द सेलर इन द मार्केट व्हेन दे ट्रेड द फाइनेंशियल एसेट्स। तो जब बायर और सेलर आपस में ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर, तो जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आती हैं, ये इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल मार्केट इकट्ठा करता है और इन सारी इन्फॉर्मेशन को वो शेयर करता है बाकी सारे लोगों के साथ, ताकि वो भी इसी बेसिस पे चीजों का आदान प्रदान जो है कर सके, बाय और सेल कर सके। सो ये एक तरीके से प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो भी निकल करके आती है इन्फॉर्मेशन बायर से और सेलर के ट्रेड से जो कि फाइनेंशियल एसेट्स में होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी और डीलिंग्स इन द फाइनेंशियल एसेट्स। तो जब आप डील करोगे, जब आप परचेस करोगे, जब आप सिक्योरिटी परचेस करोगे किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में, तो फाइनेंशियल मार्केट का काम होता है कि आपको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि आपका जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसके साथ किसी भी तरह का कोई हार्म ना हो, वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे। उसके लिए वो जो है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल मार्केट, है ना। तो दीज आर द थ्री मेन फंक्शंस। इसके अलावा दो और मेन फंक्शंस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंश्योरिंग लिक्विडिटी बाय प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टर टू सेल द फाइनेंशियल एसेट्स ईटीसी। तो आपको अपने मार्केट में जो है लिक्विडिटी बना करके रखना पड़ता है, कैश एक तरीके से रखना होता है। कैश अगर आप अपने पास नहीं रखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, है ना। कैश नहीं रखेंगे तो आपको बहुत सारे पेमेंट आप नहीं कर पाओगे। तो मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, कैश का जो जो एक तरीके से फ्लो है वो बना रहे, उसकी कोशिश जो है फाइनेंशियल मार्केट करता है। और वो एक तरीके से लोगों को ये कहता है कि आपको अगर अपने पैसों की जरूरत नहीं है, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप सेल कर दीजिए, नहीं है तो आप उसे अपने बैंक में रख सकते हैं। तो मार्केट में एक तरीके से इन्फ्यूजन होता है मनी का, और साथ ही साथ मार्केट्स में पैसे निकाले भी जाते हैं बैंक के द्वारा, ताकि जो लिक्विडिटी है वो मार्केट की बरकरार रहे। पांचवा नंबर पॉइंट है इंश्योरिंग लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, है ना। तो एक तरीके से लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन जो है उसको करने में जो है फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है, कि जो ट्रांजेक्शन का जो कॉस्ट है वो बहुत ही लो रहे, एंड उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो रेडी रहे, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी लोगों को चाहिए वो उन तक पहुंचाई जा सके। सो दीज आर द फाइव फंक्शंस दैट द मार्केट फाइनेंशियल मार्केट्स परफॉर्म, जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। और मैंने बहुत ही सक्सेसफुली ये चीजें आपको समझाई हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी काफी अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी अपने एग्जाम के प्रिपरेशन ठीक ठीक तरीके से कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जब भी स्टडी करें प्लेलिस्ट के थ्रू करें, प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट को आप अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।